अस्सलाम वालेकुम, एक्यू टीवी से डाइटिशियन महरीन। एक और क्वेश्चन जो अक्सर फीमेल्स मुझे इनबॉक्स करती हैं मेरे मैसेंजर में, वो ये होता है कि डिलीवरी के बाद हमें टिप्स दे दें कि डिलीवरी के बाद किस तरह से वेट कम करें। सो पिछले क्लिप्स में काफ़ी डिटेल्स इस पर बात हुई है, लेकिन आज मैं आपको जनरल कुछ टिप्स बता देती हूँ कि आपने आफ्टर डिलीवरी मोटी मोटी किन बातों का ख्याल करना है और अपने वेट को किस तरह से कम करना है। सो इसमें आज आपको मैं 10 टिप्स बताऊँगी। पहला जो इसमें है वो ये है कि आपने वॉक ज़्यादा करनी है, ठीक है। कोशिश करें कि चलती फिरती रहें। अक्सर फीमेल्स होती हैं, जब हम उनकी असेसमेंट करते हैं तो वो कहती हैं घर के मैं सिर्फ कुकिंग करती हूँ, घर के कोई काम काज मैं नहीं करती, हर काम करने के लिए मेरे पास मेड है, मैं सिर्फ सुपरविजन करती हूँ, सिर्फ खाना बनाती हूँ, बाकी टाइम वो बैठी रहती हैं। सो उसमें यह होता है कि आपकी वॉक बहुत कम होती है। अगर आप अपने डेली के स्टेप्स देखें तो वो हार्डली 1000 स्टेप्स आप दिन में पूरे करती हैं। सो वेट लॉस में हमें एटलीस्ट 8000-10000 स्टेप्स पर डे रिक्वायर्ड होती हैं। सो वॉक मोर, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि खुद अपने काम करें, चलती फिरती रहें और एक्टिव रहें। नंबर टू चीज़ पॉइंट है कि आपने खुद फीड कराना है बेबी को। आप जब बच्चे को खुद फीड कराती हैं तो इट सेल्फ आपकी बहुत ज़्यादा जो कैलोरीज होती हैं वो कंज्यूम हो जाती हैं बेबी फीडिंग में। सो ये बहुत एक नेचुरल एक तरीका होता है बेबी फीडिंग का कि बेबी फीड करते हुए आपकी खुद ब खुद से वेट काफ़ी हद तक कम हो जाता है। थर्ड जो इसमें टिप है वो ये है कि आपने अपने स्नैक्स को वॉच करना है। कभी कभी आप अपने मील्स भी हैवी ले रही होती हैं और स्नैक्स भी आपने 250-300 कैलोरीज के आप स्नैक भी ले रही होती हैं। सो वहाँ पर ये होता है कि आपके जो स्नैक्स होते हैं वो 150 कैलोरी से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। इसमें आप कोई लाइट से फ्रूट्स ले सकती हैं, नट्स ले सकती हैं, दूध का एक गिलास ले सकती हैं। सो आपने हेल्दी स्नैक्स रखने हैं, प्लीज़ 150 कैलोरीज बहुत है, तो 200 कैलोरी से ज़्यादा आप स्नैक्स मत लें। स्नैक्स शुड बी वेरी लाइट। और जो आपके मेन मील्स हैं, नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना, वो आप बेशक आप 300-350 कैलोरीज तक भी ले सकती हैं। फिर आपने फोर्थ टिप इज़ ईट हेल्दी। आप जो कुछ भी खाएँ हेल्दी खाएँ, सब कुछ खाएँ बट हेल्दी खाएँ, अनहेल्दी चीज़ें ना लें, जंक फूड, होम डिलीवरीज, टेक अवे, पिज़्ज़ा, बर्गर, शवरमा, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सारी चीज़ें जो आप अनहेल्दी के जमरे में आती हैं उनको अवॉइड करें। प्लीज़ ईट हेल्दी। अब आपको पता है, इतना मैं गाइड कर चुकी हूँ कि हेल्दी ईटिंग क्या होती है। सो आपने हेल्दी ईटिंग थोड़ी सी इंप्रूव करनी है। फिफ्थ पॉइंट इज मैनेज योर स्ट्रेस। जिन मदर्स के जो है बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं उनको स्ट्रेस इटसेल्फ बहुत हो जाता है, क्योंकि रात को बच्चे ठीक से सोने नहीं देते, उनकी नींद पूरी नहीं होती, वो छोटी छोटी बातों पे स्ट्रेस ले रही होती हैं, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाती हैं। सो उसमें आपने ये चीज़ करनी है कि आप तो उसको मैनेज करना है। आपको दिन में जैसे टाइम मिलता है, बेबी सोया तो आपने नैप लेनी है, 1-2 घंटा आप सो जाएँ, हल्की फुल्की वॉक करें, कोई लाइट सा जो है अच्छा सा कोई अपना कोई ड्रामा देखें ताकि आपका स्ट्रेस जो है वो मैनेज हो जाए। सिक्स टिप इस कि आप अपने ब्रेकफास्ट में ओट्स का इस्तेमाल करें। ओट के जो सीरियल्स होते हैं, जौ का दलिया, वो नाश्ते में आप ज़रूर लें। एक तो दूध की बहुत अच्छी सोर्स है, फीडिंग में भी हेल्प हो जाएगी, लो कैलोरी और हेल्दी स्नैक्स मतलब मील्स हैं। सो आप ब्रेकफास्ट में ओट्स का इस्तेमाल ज़रूर रखें। सेवन टिप इस के नींद अच्छी रखें। अभी मैंने आपको बताया कि नींद पूरी नहीं हो पाती। ऐसा नहीं है कि बच्चा रो रहा है और आप सो रही हैं, आपको भी बार बार उठना पड़ता है, बट यह है कि आप अपने दिन में 1-2 दफ़ा आप नैप लें, रेस्ट रखें अपनी रूटीन में। जैसे ही आपको टाइम मिलता है घर के कामों से और बच्चा सो जाता है तो आप भी साथ में सो जाएं, थोड़ा सा रेस्ट रखें ताकि आपकी 7-8 घंटे की जो नींद है वो पूरी हो जाए। नींद का पूरा होना भी वज़न घटाने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आपने अपनी वाटर इनटेक इंक्रीज़ करनी है। दिन में 2-3 लीटर आपने पानी या फिर फ्लूइड्स की जो डिफरेंट आइटम्स होते हैं उनका आप बीच में यूज़ रखें। कावा हो सकती है, यखनी वगैरह हो सकती है, वो आप यूज़ रखें, बट चिकन की यखनी या छोटे गोश्त की आप यूज़ करें, बड़े गोश्त की इस्तेमाल ना करें। 9th टिप इस कि आप एक्सरसाइज करें। अब वो मदर्स जो सी सेक्शन वाली हैं एकदम से एक्सरसाइज नहीं कर सकती, बट ब्रिस्क वॉक कर सकती हैं, एक्टिव रह सकती हैं, और फिर तकरीबन एक बाद महीने के बाद आप योगा कर सकती हैं, आप इसमें हल्के से कोई मेडिटेशन कर सकती हैं। ब्रिस्क वॉक के अलावा आप जो है एरोबिक एक्सरसाइजेस कर सकती हैं। सो इस तरह की छोटी छोटी जो एक्सरसाइजेस होती हैं, या आप खड़े खड़े खुद ही थोड़ा सा अपने हैंड मूवमेंट से जो है आप अपर बॉडी की एक्सरसाइजेस आप रख सकती हैं। 10th टिप इसके बेली बेल्ट जो है वो, अगर आप जो नॉर्मल डिलीवरी की जो फीमेल्स हैं वो बेली बेल्ट जो है वो यूज़ कर सकती हैं।
सो उसमें यह है कि एकदम से वो जो एक टमी जो फ्लैबी सी फ्लैबी बॉडी हो जाती है और टमी निकल रहा होता है, सो उसमें आपने जब टमी बेल्ट ली सो आपके मसल्स थोड़े से उसमें टाइट हो जाते हैं। अलॉन्ग विथ दैट आप हेल्दी डाइट करिए, आपकी नींद अच्छी है, आपकी वाटर इनटेक आपकी अच्छी है, आप हेल्दी जो है वो आप खा रही हैं, बच्चे की भी केयर कर रही हैं, घर के काम काज भी आप कर रही हैं। सो इन 10 टिप्स के साथ में बड़े अच्छे तरीके से आपकी डेली की रूटीन भी आपकी मैनेज हो जाएगी, आपको खुद पता भी नहीं चलेगा कि कब मेरा जो है वो वेट लॉस हो रहा है, और आपकी रूटीन के साथ साथ डेली रूटीन के साथ साथ कामों के साथ साथ वेट भी आपका काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। लेकिन जब प्रॉपर आप वेट लॉस अपना स्टार्ट करेंगी उससे पहले की ये टिप्स हैं, आपने टोटली डिपेंड नहीं करना। और एक जब आप बिल्कुल समझती हैं कि अब मैं बिल्कुल कर सकती हूँ अपना प्रॉपर वेट लॉस प्रोग्राम, सो डू ज्वाइन, उस वक्त फिर आप अपने वेट लॉस को ज्वाइन करें। उससे पहले की ये जनरल टिप्स थी छोटी छोटी जिस पे कि आपने अमल करना है, और फिर जैसे ही आपको आप फ्री हो जाती हैं, रिलैक्स हैं, लिसन योर बॉडी, जब आपको लगता है कि अब मैं रेडी हूँ अपने वेट लॉस के लिए, सो प्रॉपरली फिर उस वक्त के बाद अपने वेट को रिड्यूस करें ताकि आप अपना प्री प्रेगनेंसी वेट पे वापस जा सकें। नेक्स्ट कोई अच्छा सा ऐसा कोई हो, आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो, कोई बात, उसे ज़रूर इनबॉक्स करें, सो उस पर मैं इंशाल्लाह आपको गाइड करूँगी। सो स्टे ट्यून्ड।